अब पटियाल परीक्षा में पेपर लीक का परीक्षण करेगा। ये दुखद है लेकिन सत्य है। देश परीक्षा के मोड में है। 19 अप्रैल से देश में नेताओं की चुनावी परीक्षा भी शुरू हो जाएगी। देश भर में बच्चों के बोर्ड एग्जाम भी चल रहे हैं। एग्जाम तो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का भी हुआ था लेकिन पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द करनी पड़ी। बोर्ड परीक्षा या फिर छोटी सरकारी नौकरियों में पेपर लीक के किस्से अक्सर आप रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं। लेकिन अगर बड़े पदों वाली सरकारी नौकरी का भी खुलेआम ऐसा ही हाल हो जाए, सब लोग नकल करने लगे, हालात बहुत दुखद बन जाते हैं। क्या नकल करके हमारे देश में बड़े से बड़ा सरकारी ओहदा हासिल किया जा सकता है? आज पटियाल इसी का परीक्षण करेगा। दो तस्वीरें आपको देखनी है, दोनों झारखंड की है। ये तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि झारखंड में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की गई संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा का पेपर लीक होने के आरोप लग रहे हैं। बड़ी बात यह भी है कि ये राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा थी। चतरा में अभ्यर्थियों का आरोप है कि उपेंद्र वर्मा नाम के इंटरमीडिएट कॉलेज में जो एग्जाम पेपर आया था वो पेपर सीलबंद नहीं था, खुला था वो। मतलब पेपर की सील एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले ही खुल चुकी थी। परीक्षार्थियों ने पुलिस और कॉलेज प्रबंधन पर अभद्रता का आरोप भी लगाया है। जामताड़ा का हाल तो और भी बुरा रहा। जामताड़ा का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें क्या है, उसमें परीक्षार्थी सरेआम नकल करते हुए दिख रहे हैं। वायरल वीडियो में दावा किया गया है कि जामताड़ा में सेंटर के बाहर ही परीक्षार्थियों ने नकल करके पेपर सॉल्व कर दिया, अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई साहब उनको। है ना गजब की बात। राज्यों के सबसे बड़े एग्जाम भी अब सेफ नहीं रहे। क्या नकल माफिया और सॉल्वर गैंग की घुसपैठ जेपीएससी जैसे बड़े एग्जाम में भी हो गई है? हम लोग का पोषक पेपर मिलने रूम में आया तो उसका सील पैकिंग खुला था, उसका भी सील खुला। क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है और ये लोग बोलते हैं हम लोगों की जूता से मारेंगे तुम लोगों को। सील खुलता है क्लास में, उसके साथ कैंची होता है। कैंची पहले से पूरा क्वेश्चन खुला हुआ था और जो हर क्लास रूम से दो स्टूडेंट को साइन करवाया जाता है कि ये क्वेश्चन यहीं पे खुला ये दिखाने के लिए, वो क्वेश्चन वो साइन भी पहले से किया हुआ था। बोलना तो फैक्ट रखूंगा, तो आपकी जो शिकायत है आपको अपने फैक्ट रखना होगा। सही क्या गलत क्या, सही गलत का फैसला क्या तुरंत हो जाएगा? फैक्ट आपकी बात है तो जांच करके दूंगा मैं। अभ्यर्थी पेपर लीक का आरोप लगा रहे हैं लेकिन प्रशासन हमेशा की तरह आरोपों को खारिज कर रहा है। वैसे होता भी यही है, अभ्यर्थी आरोप लगाते हैं, प्रशासन पहले ही खारिज कर देता है, फिर जांच होती है, उसके बाद पेपर लीक की सच्चाई सामने आ जाती है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का उदाहरण आप सबने देखा था ना कि वहां क्या हुआ था। झारखंड के चतरा के उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज स्थित परीक्षा सेंटर पर 504 परीक्षार्थियों ने एग्जाम देना था लेकिन एग्जाम देने पहुंचे सिर्फ 296 परीक्षार्थी। इसमें से 208 परीक्षार्थी एग्जाम का बहिष्कार करते हुए एग्जाम हॉल से बाहर आ गए। 342 पदों पर वैकेंसी के लिए जेपीएससी ने परीक्षा आयोजित की थी। पेपर लीक पर हंगामा हो रहा है, परीक्षार्थियों ने एग्जाम के बीच में ही अपनी परीक्षा छोड़ दी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन परीक्षार्थियों ने एग्जाम छोड़ा है उनका अब क्या होगा? जांच के बाद क्या जेपीएससी दोबारा परीक्षा आयोजित करेगा? पेपर लीक के मामले में झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर और जामताड़ा के वायरल वीडियो पर जामताड़ा डीसी कुसुम सहाय ने क्या कहा, अब ये आपको सुनवाते। एक वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो को कहा जा रहा है कि जामताड़ा का है, तो हम लोगों ने इसके लिए एसआईटी का गठन किया और अविलंब जांच प्रतिवेदन की मांग की है, इसके बाद सब चीज क्लियर हो जाए। कहीं पेपर लीक होता है, मुझे नहीं लगता कि अभी इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है। क्या सच्चाई है जेपीएससी के पेपर लीक में, वो जांच में सच्चाई सामने आएगी। और जो लोग भी अगर ऐसी बात हुई है, कहीं से पेपर लीक हुआ है, ये अगर तथ्य सामने आता है जांच में, तो जो भी लोग इसमें संलिप्त होंगे सभी पर कार्रवाई होगी। एसडीएम डेप्यूटी एसपी ट्रेजरी अफसर
इन सब पदों के लिए होने वाली परीक्षा में भी अगर ऐसी नकल होने लगे तो प्रदेश का मालिक फिर भगवान ही। सरकारी नौकरी का पेपर लीक हो जाए तो इसकी तैयारी कर रहे बच्चों का करियर भी अधर में लटक जाता है। पटियाल को आपके बच्चों की फिक्र है, इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट में युवाओं से जुड़े सभी मुद्दों को मैं हमेशा इम्पोर्टेंट मानकर पहले उठाता हूँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।